उधर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में योग दिवस को लेकर योग सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बताना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम 15 से 21 जून तक आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, दयाशंकर मिश्र दयालु भी मौजूद हैं। तो योग सप्ताह कार्यक्रम शुरू हुआ है और योग दिवस को लेकर इस योग सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हो रहा है। और लखनऊ से अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अनूप, जिस तरह से योग सप्ताह को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तमाम आयोजन होते हुए नजर आएंगे, इस विशेष कार्यक्रम को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ साझा करना चाहेंगे? पूरे देश दुनिया में तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में योग सप्ताह का उद्घाटन पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह कर रहे हैं। इस वक्त इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जयवीर सिंह, वन मंत्री वरुण सक्सेना, तमाम और अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और कई तमाम संख्या में जो छात्र हैं वो भी यहां पर आए हुए हैं। डॉक्टर्स की टीम पूरी आई है। सब यहां पर पूरे योग के कितने कार्यक्रम योग सप्ताह में जो भी कार्यक्रम आज से शुरुआत हो जाएंगे और हर क्षेत्र में हर अलग अलग विषय में योग के कार्यक्रम होंगे। इस बार योग का जो स्लोगन रखा गया है वो हर घर योग का रखा गया है। निश्चित रूप से इस योग पूरा भारत के साथ साथ अन्य देशों को भी जोड़ता है। तो योग यानी कहीं वसुदेव कुटुंबकम भी इसी तरीके से कहा जाता है। तमाम हमारे साथ एग्जीबिशन को दिखाने की कोशिश करेंगे। योग दिवस पर एग्जीबिशन भी लगाई गई है जो आयुर्वेद से जुड़े हैं वो एग्जीबिशन, या फिर तमाम एग्जीबिशन को लेकर हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, योग दिवस आज से सप्ताह शुरुआत हो रही है, योग का कितना महत्व है लोगों के जीवन में? योग तो हमारे गुरुओं की देन है जो हमारे अनादिकालों से चला। तो निरोग रखने के लिए सबसे बड़ा योग ही साधन है। अगर आप योग करते रहेंगे तो दवाइयाँ तो सेकेंडरी चीजें हैं, दवाइयाँ तो सपोर्टिव एक्सरसाइज तो काम करेंगी। अगर आप प्रॉपर डे में अपना योग अपने शरीर को आधे घंटे एक घंटे डेली दे रहे हैं तो शायद आपको मेडिसिन की भी जरूरत ना पड़े। तो योग से अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं और लोगों को दूर बना सकते हैं। बहुत सारे लोग उसके पास समय नहीं होता है योग करने के लिए क्योंकि उनकी बहुत बिजी लाइफ होती है, उनके लिए क्या कुछ आसान रहता है कि योग भी उनको समय मिल जाए और अपने काम भी करते रहें? देखिए, योग के लिए तो समय निकालना ही पड़ेगा। देखिए, आप हर चीज के लिए आपके पास समय है, मोबाइल चलाने के लिए, फेसबुक, यूट्यूब, उन्हीं के लिए आपको 15 मिनट आधे घंटे निकालना पड़ेगा और योग करने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अपनी अगर आपकी बॉडी फिट रहेगी तो आप सालों साल तक फिट रहेंगे। क्योंकि लोगों का अगर आप मेहनत से कमाई कर रहे हैं, मेहनत से जॉब कर रहे हैं और वो पैसा आपकी बीमारियों में चला जाए तो उससे अच्छा भी आधे घंटे एक घंटे अपने शरीर को दें। और किसी भी प्रोफेशन में हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, योग तो कई प्रकार के हैं। अनुलोम विलोम कर सकते हैं अपने और जो इतने सारे उससे योगा आसान से आप रामदेव बाबा को देखिए और भी योग योग के जो धारावाहिक आते हैं उससे आप देखिए, तरह तरह के आसन से उसके लिए इसलिए आपको समय निकालने की ऐसी कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया। तो योग भी अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, योग के लिए समय भी निकालना जरूरी है। कुछ तस्वीरें और वो आपको दिखाएंगे। ये सब जो योग को लेकर गए कहीं ना कहीं जो एक प्रोत्साहन है, एक समझिए तमाम जो विभाग इस योगा योग दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, तमाम जो लोग आए हैं उनको यहाँ पर लोग आ रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं, साथ ही साथ योग के जो सप्ताह है वहां पर भी जुड़ रहे हैं। कुछ और भी तस्वीरें दिखाएंगे और आपको ले चलेंगे वहां पर जहां योग का पूरा कार्यक्रम चला, जहां पर मंत्री जयवीर सिंह, पर्यटन मंत्री वहां पर मौजूद हैं, मुख्य सचिव जो दुर्गा शंकर मिश्रा भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, वन मंत्री भी यहां पर उसमें कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो आपको ले चलते हैं वहां पर तमाम जो डॉक्टर्स या फिर टीम, देखिए कि ये यहां पर कार्यक्रम का आयोजन है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को और भी उत्सव के तरीके से मनाने को लेकर के लगातार जो एक सप्ताह तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रमों के तहत तमाम स्कूली बच्चे, यहाँ तक कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको भी स्कूल खोलने के लिए कहा गया है कि इस बार जो बेसिक शिक्षा या फिर प्राइमरी स्कूल हैं उन तक बच्चों को बुलाया जाएगा ताकि योग दिवस के दिन हर घर आंगन, यानी उस दिन पूरे विश्व में जो योग का जो कार्यक्रम है वो सब लगातार बनाया जाएगा और इस बीच जो पूरे
सप्ताह भर में जो योग के कार्यक्रम हैं उनको आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। तमाम स्कूलों में जो स्कूलों के बच्चे की बात करें या फिर चिकित्सा विभाग की बात करें या तमाम विभाग जो अलग अलग तरीके से, यहाँ तक कि इस बार जो गांव गांव में भी जो सरोवर बने हैं उनके किनारे ये प्रधानों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वहां पर इस बार योग बनाया जाए। यानी इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर शख्स अपने अपने क्षेत्र में योगा करता नजर आएगा अपने घरों में, और तमाम कार्यक्रम लखनऊ में जो राजभवन है राजभवन के आंगन में तमाम वहां पर लोग पहुंचते हैं। वीवीआईपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर रहते हैं, तो ये कहा जा सकता है योग दिवस पर इस बार भव्य कुछ होने वाला है। बिल्कुल भव्य तरीके से मनाया जाएगा और योग के प्रति लोग जागरूक भी नजर आ रहे हैं। और इस तमाम जानकारी के लिए अनुभव आपका बहुत बहुत शुक्रिया।